लगातार 9वां दिन मुखी जय हिंद वंदे मातरम भारत माता के स्वागत है दोस्तों भारत के सबसे नंबर 1 जियो न्यूज़ चैनल पे। दोस्तों यहां पर ऑनलाइन क्लास ऑफर जियो फोन 3 की तरफ से यहां पर सबको फ्री मिलेगा। लॉकडाउन धमाका ऑफर के तहत इस स्मार्टफोन को जो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करेगा उसमें से कुछ स्मार्टफोन को बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इस स्मार्टफोन को लाना तो अभी के अभी ऑनलाइन करें और किसी को भी ऑनलाइन एक भी पैसा न दें, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो कैसे ऑनलाइन करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों यह है जियो 5G, जो कि आप बोल सकते हैं जियो फोन 3। अगर आपके पास जियो फोन 1 है तो इसे आप 501 रुपये में रिचार्ज करा के ले सकते हैं, जो कि स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री है, केवल आपको 501 रुपये रिचार्ज कराना है। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन करूँगा, केवल और केवल आपको अपना नाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए कमेंट करना है। अगर आपके पास जियो फोन 2 है तो आपको 501 रुपये देना पड़ेगा, स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री है, केवल रिचार्ज का पैसा। दोस्तों यहाँ पर अमेजन पे 789 रुपीज को हटाकर बिल्कुल फ्री कर दिया गया जियो फोन 3। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट लुक दिखाते हैं जियो फोन 3 आपको कैसे मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मोदी जी और अंबानी जी के फैसले के अनुसार इस जियो फोन 3 को भारत के सभी स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो इस इंडिया का स्मार्टफोन 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आपको 789 रुपीज देना पड़ेगा, जो कि कैश ऑन डिलीवरी होने वाली है। जब तक स्मार्टफोन आपके घर ना आ जाए तब तक आपको किसी को पैसा नहीं देना है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसके बाद से इसी स्मार्टफोन को तुरंत ही अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों यह वीडियो काफी दमदार होने वाली है, एक ही वीडियो में आपको इस स्पेसिफिकेशन भी मिल जाएगा और साथ ही साथ अनबॉक्सिंग और रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों अभी तुरंत आप ऑर्डर करेंगे तो बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आसान है। आपको एक आधार कार्ड के साथ आपको अपना नाम डालना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और तुरंत ही वीडियो शेयर करने के बाद अपना नाम हमें कमेंट करके बताइए, मैं रेडी हूँ तुरंत आपके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, दोस्तों जियो की तरफ से 3 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, जियो फोन 3, जियो फोन 3 लाइट और जियो फोन 3 प्रो। दोस्तों जियो फोन 3 प्रो में आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा, जबकि जियो फोन 3 में आपको पॉपअप के सेल्फी कैमरा के साथ आपको सामने की तरफ 20 मेगापिक्सल कैमरा का देखने को मिलेगा और पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं स्पेसिफिकेशन बताते बताते उलझ जा रहा हूँ, तीनों स्मार्टफोन में कमाल की स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, तो आप रजिस्ट्रेशन के समय भी उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस स्मार्टफोन को सबसे पहले 26 जनवरी 2021 को लॉन्च होने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इसे टाल दिया गया। लेकिन अब वो स्मार्टफोन दोबारा से इंडिया में लॉन्च हो चुका है और अब से आप इस स्मार्टफोन जियो फोन 3 या फिर जियो फोन 5G को इंडिया में ले सकते हैं। दोस्तों इस स्मार्टफोन को लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये देने की जरूरत है, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो। दोस्तों इसमें आपको 48 मेगापिक्सल पीछे की साइड जियो फोन 3 में कैमरा देखने को मिलेगा और 64 मेगापिक्सल तो मैं आपको बता दिया हूँ जियो फोन 3 प्रो में देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जान लेना है, क्योंकि यह स्मार्टफोन सबको फ्री में मिलने वाला नहीं है, आपके लिए कुछ ना कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबको जान लेना है, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके फ्री में मिलेगा, लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपको 501 रुपये देने की जरूरत है, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। तो ये रहा आपके सामने जियो फोन 3 प्रो की अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि मुझे मिल चुका है। आप देख सकते हैं सुपर भीड़ वाले उसी फास्ट चार्जर के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि व्हाइट कलर में मैंने मंगाया है। दोस्तों आप इसके डिस्प्ले क्वालिटी देख सकते हैं, साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की क्वालिटी देख सकते हैं। दोस्तों इस स्मार्टफोन को बुक करने के लिए मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, किस तरीके से इस स्मार्टफोन को बुक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। दोस्तों आपको करना क्या, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, किसी ब्राउजर को आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रोम ब्राउजर ओपन करें। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको डालना है www.jio.com, जो कि जियो की ऑफिशियल वेबसाइट है। जियो के अनऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, यानी कि किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको यही लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक पर www.jio.com के लिंक पर
आपको तीनों स्मार्टफोन शो होगा कुछ इस तरीके से जो स्क्रीन के सामने दिख रहा है। दोस्तों स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है जियो फोन 3 लाइट है और इसके पहले जो दिख रहा था जियो फोन 3 और जियो फोन 3 प्रो है। तो आपको मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, इस स्मार्टफोन को आपको चूज कर लेना है और इसका स्पेसिफिकेशन भी पढ़ लेना है। स्पेसिफिकेशन पढ़ने के बाद अगर आपको यह स्मार्टफोन आपके लिए ठीक ठाक लग रहा है तो आप इस स्मार्टफोन को तुरंत ही ऑर्डर कर सकते हैं नीचे ऑर्डर के बटन पे क्लिक करके। वहां पर आपको केवल आपको अपना आधार नंबर और नाम डालना है, किसी प्रकार की OTP की कोई झंझट नहीं की गई है और साथ ही साथ क्लिक करने के बाद आपको अपना एड्रेस डाल के ओके करना है। दोस्तों एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आपके पास निकटतम जियो स्टोर है तो वहां पर भी आप जाके पता कर सकते हैं कि जियो स्टोर पर आपको मिल जाएगा नहीं। कई जगह जियो स्टोर पर यह अवेलेबल है तो वहां पर भी आप जाके पता कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे आपका कमेंट उतना ऊपर आएगा, मैं आपका तुरंत ही कमेंट में तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिटर्न कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।